दुनिया के मशहूर अरबती एक खजाने की खोज में पैसे लगा रहे हैं। इस खजाने को दुनिया का भविष्य बताया जा रहा है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये खजाना कहाँ है और कौन इसकी खोज कर रहा है। खजाने की खोज में 30 जियोलॉजिस्ट्स, जियोफिजिसिस्ट्स, कुक्स, पायलट्स, मैकेनिक्स लगे हुए हैं। ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है। ट्रांसमीटर लगे ड्रोन के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तलाश की जा रही है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों का एक ग्रुप एक खजाने की खोज में खूब पैसे लगा रहे हैं। इस लिस्ट में बिल गेट्स, अमेजन के मालिक जेफ बेजोस, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन माइकल ब्लूमबर्ग जैसे अरबतियों का नाम शामिल है। खजाने की खोज के लिए ट्रांसमीटर लगे हेलीकॉप्टर्स तक का इस्तेमाल किया जा रहा है। खजाने की खोज ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर की जा रही है। ग्रीनलैंड एक स्वशासित देश है, लेकिन ऊपरी तौर पर उस पर डेनमार्क का कंट्रोल है। वैसे तो यह देश क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश है। जलवायु संकट की वजह से ग्रीनलैंड के बर्फीले पहाड़ काफी तेजी से पिघल रहे हैं। सदियों से बर्फ के अंदर दबे कुछ इलाके बाहर आ गए हैं। यह आपदा वैसे इन्वेस्टर्स और माइनिंग कंपनियों के लिए बड़ा अवसर लेकर आया है, जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन में मददगार बहुमूल्य पदार्थों की खोज में हैं। बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस तक कई अरबतियों को लगता है कि ग्रीनलैंड के डिस्को आइलैंड और नुसुआक पेनिनसुला में मौजूद पहाड़ियों और घाटियों के नीचे बहुमूल्य पदार्थों का भंडार है। इससे अरबों इलेक्ट्रिक गाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। सीएनएन से बातचीत में कोबोल्ट मेटल्स के सीईओ कर्ट हाउस ने कहा, हम लोग एक ऐसे खजाने को ढूंढ रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा या दूसरे सबसे बड़ा निकल और कोबोल्ट का भंडार होगा। ग्रीनलैंड में यह कंपनी ब्लूजे माइनिंग के साथ मिलकर दुर्लभ और कीमती मेटल्स की खोज कर रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर करने के लिए बनाए जाने वाली बड़ी बड़ी बैटरीज को बनाने के लिए ये मेटल्स जरूरी हैं। अरबतियों का ग्रुप कोबोल्ट मेटल्स को आर्थिक सहायता दे रही है। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि कोबोल्ट मेटल्स कैलिफोर्निया बेस्ट स्टार्टअप है और कंपनी मिनरल्स की खोज करती है। खजाने की खोज में 30 जियोलॉजिस्ट्स, जियोफिजिसिस्ट्स, कुक्स, पायलट्स और मैकेनिक्स लगे हुए हैं। क्रू मिट्टी के सैंपल्स ले रहे हैं। ट्रांसमीटर लगे ड्रोन और हेलीकॉप्टर के जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तलाश की जा रही है, ताकि जमीन के अंदर मौजूद अलग अलग पत्थरीली सतहों के बारे में पता लगाया जा सके। ये लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से उस जगह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर खजाना छुपा है, ताकि वे लोग खुदाई कर उसे निकाल सके। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे जानकारी वाले वीडियो लाते रहते हैं।